वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अज असी बैठे हाँ सिंघू बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर से असी बैठे हाँ अपने हमेशा दे हरियाणा के वीर भाइयों ना बजुर्गों ना साड्या नाल जिन्हां दी साडी परिवारक सांझ आ हमेशा तो ही सांझ रही आ। अज असी इन्हां दे विच बैठ के बड़ा माण महसूस करते हाँ, पर जिहड़ियां गंदियां सरकारां ने खासकर मोदी आ ये सानू वंडण की कोशिश करता पे आ, पर असी वंड नहीं हुंदे इस तरीके नाल। ये प्यार साडा हमेशा तो चलिया आउंदा ते हमेशा ही चलता रहूगा। हुण असी साडे ताऊ बैठे ने, एक ताऊ नाल असी गल करनी चाहुंदे आ भी मोदी बारे की करना चाहुंदा। ताऊ जी कुछ तुसीं बाजार दसो भी मोदी बड़ा तंग कर रहा है सानू रल मिल के, की कहना चाहुंदे तुसीं इहनां नूं? भाई जी मोदी मोदी नहीं, जो उसकी मोदी ने तो तंग कर ही दिए। बाकी खट्टर आज हरियाणा में भी भाईचारे को बिगाड़ने के लिए, एक दूसरे से समाज को बिगाड़ने के लिए कार्य कर रही है। आज देखो कितना नुकसान करवा सकता है ये सरकार। इसने कोई भाईचारे से मतलब नहीं, कोई किसानों से मतलब नहीं, कोई कर्मचारी से मतलब नहीं। इनका काम है फूट डालो राज करो। परंतु ये कितने दिन चलेगा? भाईचारा समझने लग गया है, भाईचारा समझने लग गया। पहले तो हरियाणा पंजाब को बिड़ाने की कोशिश की। असी हुण एक कोशिश होर चाहुंदे आ भी मोदी नूं थोड़ी जी, सारे लोग जानते हैं कहते हैं भी कुछ शर्म नहीं आती, तुम की कहना चाहते हो? किस तरह शर्म आवे? क्या शर्म आएगी जब इलेक्शन के अंदर हमारे हाथ कटवा दिए, हमारे को झूठे झांसे देकर मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। जो 70 साल से किसान पहले तंग था उसमें और कटौती करके किसान दी रेरे माटी कर देती है इस मोदी ने। ऐसा हमने प्रधानमंत्री नहीं देखा 70 साल के उस दौरान, जितने भी अपने प्रधानमंत्री हैं, जिन सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो ये है कि 4 आदमियों के बदले कितने किसानों की इन्होंने यहाँ शहीदी दिलवा दी। 45 के आसपास हमारे किसान शहीद हो गए, अब भी इसको शर्म नहीं आ रही। और क्या करना चाहता है इस देश के किसानों के साथ? 70 से पहले यानी के 85 से पहले देश के अंदर अनाज की तंगी थी। इस देश ने 3 युद्ध जीते पाकिस्तान से, युद्ध जीतने के बाद भी अनाज के मामले में हम वो 3 युद्ध हार गए। आज किसान ने देश का भंडार भर दिया, परंतु आज ये किसान ने जो भंडार भरा है इनके पास रखने के लिए जगह नहीं छोड़ी किसान ने। बहुत सही, सारे विश्व में इनका नाम किया रोशन किसानों ने। आज किसानों की ये हालात कर दी, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने किसानों को तंग किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़े सारे वीर का। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह जी।